आप लोग उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और उतना ही मस्त होगा आप लोगों का गार्डन। तो मैंने आपके साथ एक बार शेयर किया था कि हमें कौन से ऐसे 10 ऑस्पीशियस यानी शुभ पौधे हैं जो हमें अपने घर में लगाने चाहिए। आज की वीडियो में उसी एक पौधे की बात मैं आप लोगों से करूंगी जो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, देखने में बहुत खूबसूरत है और अगर आप इसे एक बार अपने गार्डन में लाएंगे, जरा सी केयर करेंगे तो सालों साल आपके साथ चलेगी। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है शमी का प्लांट और कुछ लोग इसे शनि देव का प्लांट भी कहते हैं। बहुत शुभ प्लांट है, इसे घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है और खास करके अगर हम इसे वेस्ट डायरेक्शन में रखें तो ये और ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब अगर इसे बॉटेनिकली देखें तो ये एक डेजर्ट जोन का प्लांट है, या मतलब जहाँ पर पानी कम होता है, इस तरह का ये प्लांट है और इसकी रूट्स बहुत डीपली पेनिट्रेट करती हैं क्योंकि डेजर्ट वाले एरिया में पानी कम होता है तो उनको पानी लेने के लिए बहुत डीपली जाना पड़ता है। तो इसको हमेशा आप थोड़े बड़े पॉट में लगाइए, या अगर आपका प्लांट छोटा है तो पहले उसे छोटे पॉट में लगाइए और जैसे जैसे वो ग्रो करता जाएगा उसका पॉट साइज आप इंक्रीज करते रहिए। बहुत ज़्यादा इसे पानी की जरूरत नहीं है, वेल ड्रेन सॉइल इसको पसंद है, पानी इसके हमेशा कम ही रखें और फुल सन में इसे रखें। अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप इसे शेड में रख सकते हैं, अदरवाइज ये फुल सन का प्लांट है और जैसे मैंने आपको बताया कि इसको वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपको शाम के टाइम की धूप मिलेगी, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब अगर इसकी बात करें तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत छोटी होती है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, देखिए कितनी छोटी लीव्स हैं क्योंकि ये मैंने आपको बताया डेजर्ट जोन का प्लांट है तो इसमें इवेपोरेशन कम करने के लिए, क्योंकि जितना लीव का सरफेस एरिया कम होगा उतने ही ज़्यादा इसके स्टोमेटास कम होंगे, उतनी ही कम इसकी इवेपोरेशन होगी, तो पानी के लॉस को बचाने के लिए इसमें ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि इतनी लीव्स इसकी इतनी छोटी होती हैं और कंपाउंड लीव्स का ये प्लांट है। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसे एनुअली मैं साल में दो बार फर्टिलाइज़ करती हूँ, एक बार स्प्रिंग सीजन फरवरी में और एक बार मॉनसून के बाद सितंबर में फर्टिलाइज़ करती हूँ। समर इसका ग्रोथ पीरियड है, विंटर में ये हल्की डोरमेंसी में चला जाता है और कटिंग्स में ये बहुत इजी लग जाता है। अगर कोई बड़ा प्लांट है, ये एक छोटा पेड़ का रूप ले लेता है, अगर कोई आपको ऐसा प्लांट मिले तो उसमें से 6 से 7 इंच की कटिंग ले आइए जो बहुत ईजिली ग्रो कर जाती है। अदरवाइज इस पर येलो कलर के फूल आते हैं और उसके बाद सीड पॉड्स बनते हैं, उस सीड पॉड से भी आप नए प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। और मीडियम प्रूनिंग जो इसकी होती है आप स्प्रिंग सीजन में मॉनसून सीजन में करें, उससे ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑस्पिशियस यानी शुभ पौधा है घर में रखने के लिए, और ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिन्हें घर में रखना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, उसकी एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको शमी की एक डिटेल वीडियो बताई है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ और नया आप DIY डेकोर रिलेटेड देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं, या कुछ और शमी के बारे में जो आपको है और मुझे नहीं पता है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। इस तरह अपनी नॉलेज शेयर करने से शायद हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा गार्डन चैनल बनाकर जा सकते हैं, ताकि जो आगे आने वाला टाइम है हमारा बच्चों का, वो हमारे नेचर को संभाल के रख सके। मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप शमी के प्लांट को घर पर लाएं और उसकी इजी केयर करें और कितना सुंदर ये प्लांट है, छोटी छोटी इसकी लीव्स होती हैं और बहुत शुभ माना जाता है इसे घर में रखना। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ और नया आप DIY डेकोर या गार्डन रिलेटेड देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए जल्द ही मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो और ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।